और सीधे चलते जोशीमठ जहां से हमारी सहयोगी ज्योति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति, बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए इस लिहाज से भी है कि चलिए सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाने हैं वो तो उठाने हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की समझाइश के साथ आगे बढ़ना ये किस तरीके से होगा ये देखना होगा। बिल्कुल श्वेता, और आप देख पाएंगे कि इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं यहां पर चुनौती इसलिए भी बढ़ जा रही है कि अब मौसम ने करवट ले ली है और ऐसे में बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद ऊपर के पहाड़ों में जोशीमठ से यहां हम देख पा रहे हैं कि हल्की फुल्की जो धुंध नुमा आप बादल जैसे देख पाएंगे वहां पर स्नोफॉल शुरू हो चुका है, और कहा यही जा रहा है कि ऊपर के पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है कुछ ही देर बाद शायद जोशीमठ में भी ऐसे हालात हो जाएं। और कल से ही यहां पर एक शीतलहर का जो प्रकोप है वो लोगों को झेलना पड़ रहा था। ऐसे मौसम में पूरी रात इन महिलाओं ने यहाँ पर गुजारी है इस एक आग के सहारे यहाँ पर तापते हुए, और देखिए कि किस तरह से होटल के बाहर ही इन्होंने डेरा डाल लिया है। इसके पास सारी महिलाएं जो हैं वो नारेबाजी कर रही हैं। लगातार श्वेता इनकी जो नाराजगी है इनकी जो मांग है वो तो हम आपको टीवी पर बता ही रहे हैं, टाइम्स नाउ नव भारत पर लगातार हमारी टीम हर रिपोर्ट पहुंचा रही है, लेकिन अब प्रशासन द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद क्या नाराजगी है जरा ये इन महिलाओं से पूछते हैं। मैम, जिस जमीन पर आप बैठी हैं ये दरकी हुई जमीन है, ऐसे में आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि ये तोड़ा जाना ही सही है उचित है? डर कैसे लगेंगे, हम यहीं पर रहते हैं यहीं पर वो करते हैं, हम हैं डरने वाली बात, हमारी मौत आ जाए पर हम जोशीमठ नहीं छोड़ेंगे। मौत आ जाए लेकिन जोशीमठ नहीं छोड़ेंगे, जैसी बातें सुनने को मिल रही हैं। मौसम बदल रहा है लेकिन आप लोगों की नाराजगी कम नहीं हो रही है? नहीं मैडम, क्यों होगी, हमारा घर बार चला गया, काहे की नाराजगी होगी हमको, हम यहीं पर रहेंगे जब तक हमारा फैसला नहीं हुआ। हाँ, ये होटल तो तोड़ा जाना है, जब तक प्रशासन कह रहे हैं कि मुआवजा देंगे फिर क्या नाराज़? लिख के देंगे ना, वो लिख के देंगे, जब तक लिखी नहीं है तब तक कोई नहीं टूटे, नहीं तोड़ेंगे। पूरी रात मौसम एकदम माइनस में चला गया था, आप लोगों को ठंड का मौसम का असर नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, सब यहीं पर बैठे रहेंगे, हम कहाँ जाना। तो देखिए महिलाओं ने डेरा जो है वो संभाल लिया है, मोर्चा है यहाँ पर, और एक बार जरा इधर आए, आपको यहाँ का जो माहौल है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। महिलाओं की जो नाराजगी है, क्या नाराजगी, अब क्या मांगे आप लोगों की? मांगे यही है मैडम, हमें हमारे घर का मुआवजा दिया जाए, ठीक है, और हम लोगों का डर इस बात का था कि देखिए बारिश अगर होगी तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे, ये जमीन बहुत क्रिटिकल और डेंजर जोन में इस वक्त, आज बूंदाबांदी भी शुरू हो रही है, आप लोगों के मन में खौफ नहीं है? क्या करें, जब घर टूट गया, जब घर ही नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। घर छोड़ने से बड़ा खौफ क्या होता है, अपने घर में आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करता है, अब तो सड़कों पे ही रहना है, सड़कों पे ही रहना है। अभी तो कह रही है कि विस्थापित करेंगे आप लोगों को, अब जब तक किया नहीं तब तक क्या बोल सकते हैं? क्या डर किस बात का है, सरकार के वादों पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? अभी तो ऐसा कोई वादा हुआ ही नहीं मैडम। पंकज जी ऊपर आकर तस्वीरें दिखाई, यहाँ से अगर आप दिखा पाए कि किस तरह से कल चार महिलाएं जो बैठी थी अब वो सिलसिला बढ़ते हुए यहाँ पर होटल का ये जो बाहर का प्रांगण है ये पूरी तरह से इन महिलाओं से भर चुका है, और इनकी नाराजगी भी वैसी ही बढ़ती जा रही है जैसे यहाँ की भीड़, और अब इनकी मांग है कि लिखित में आश्वासन दिया जाए, जिस मुआवजे का ऐलान सरकार ने किया था उससे चार गुना मुआवजे की मांग ये लोग कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए कल डीएम के साथ जो मीटिंग हुई थी उसके बाद भी बात नहीं बनी है, और क्या कहती है जोशीमठ की जनता ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन महिलाओं का ये कहना है कि घर टूट गया, इससे ज्यादा बड़ा दुख क्या हो सकता है, इससे बड़ा मार जो है वो शायद न मौसम की मार हो सकती है और न मुआवजे का आश्वासन। ऐसे में कब तक बैठे रहेंगी आप लोग यहाँ पर? जब तक न्याय नहीं मिलेगा। कल डीएम से क्या बात हुई? क्या बात हुई? कुछ बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, परिवार बच्चे कहाँ हैं आप सब? सब इधर ही है घर में, कहाँ जाना है बच्चे? ठंडा पानी पी रहे हो, घर भी है बेचारी, और खराब है, बच्चों ने भी क्या करना, कहाँ जाना किसी ने भी। तो जोशीमठ में इन महिलाओं को देखिए आप, ये लोग यही कह रहे हैं कि मौसम भी खराब हो चुका है, और ये जो यहाँ पर लोग हैं इनसे भी हम पूछते हैं कब तक आप लोग यहाँ पर नाराजगी जाहिर करते रहेंगे, क्या डीएम से कोई मांग हुई, कोई आश्वासन मिला? देखिए ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जैसे कल से यहाँ पर न्यूज में चल रहा था, हाई लेवल नेशनल लेवल पे चल रहा है कि डेमोलिशन होना है होटल का, तो ये शासन प्रशासन क्या मतलब कल से ये तमाशा बना के रखा है यहाँ पर। जो होटल ओनर जो है एग्री है वो बोल रहे हैं कि इसको डेमोलेशन करो,
बट देखो एक आम आदमी की बात है ये, आप पत्रकार लोग, आप मीडिया लोग जितने भी यहाँ पर, ये एक छोटी सी बात है भाई। वो कल से बोल रहे कि भाई ठीक है आप तोड़िए उसको, डेमोलिशन करिए, बट उसका मुआवजे की वो डिमांड कर रहे हैं, प्रॉपर वैल्यूएशन दे रही सरकार की, दिया जाएगा आप लोगों को किस बात पे एतबार? मैम उसका लिखित रूप भी तो होना चाहिए, आपको मैं बोल दूं कुछ, उसका रिटर्न प्रूफ भी तो होना चाहिए और प्रॉपर वैल्यूएशन के साथ होना चाहिए। जिनका इतना बड़ा होटल है उनको थोड़ा सा पैसा पकड़ा देंगे तो वो प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं हुआ इसका, प्रॉपर वैल्यूएशन। आज ये जो बुलडोजर है होटल पर चल रहा है, कल घरों पर भी चलेगा? बिल्कुल मैम, स्वयं देखिए मैडम जी, इधर जब इतने बड़े होटल पे अगर प्रशासन बिना परमिशन के अगर डेमोलिशन कर सकता है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक छोटे आदमी पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप लोगों की नाराजगी से आज होटल नहीं तोड़ने दिया तो फिर देखिए आप बुलडोजर जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, अभी इसको ध्वस्त करने में भलाई रहेगी या इंतजार करने में? अगर देखो वैसे भलाई मैम, भलाई तो देखी जाएगा, अगर तोड़ने में इसको भलाई है, लेकिन हम अपना हक नहीं छोड़ सकते, ये भी बात मानना पड़ेगा। हम भी तो मरने को तैयार है, ये भी तो सोचिए। तस्वीरें दिखाऊंगी दाई तरफ, आप देखिए कि जो जेसीबी है वो नजर आ रही है और ऐसे में बुलडोजर देख लोगों का मन का जो खौफ है वो और ज्यादा बड़ा इससे हो जाता है कि उनको लगता है होटल को तोड़ने की कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू हो जाएगी। ये भीड़ जो है यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही है और मन में सिर्फ एक डर है, एक नाराजगी है कि आश्वासन हमें जब तक लिखित में नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे माने कि सरकार के जो वादे हैं वो पूरे हो पाएंगे। और बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजे की मांग ये लोग कर रहे हैं कि उसी आधार पर मुआवजा इन्हें दिया जाए। और देखिए मौसम आज बिगड़ता जा रहा है, चारों तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आज सुबह से धुंध यहां पर कोहरा छाया हुआ है और ऐसे में जी। दो दिन से जिस तरह से शीतलहर का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है, ऐसे में खुले आसमान के नीचे इन लोगों का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक लिखित में जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं। और इसी से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है वो भी है कि जोशीमठ से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि मौसम का मिजाज बदल गया है, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जोशीमठ में भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम बदला तो लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी क्योंकि जैसे जैसे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी और लोगों के आशियाने अगर टूटते हैं तो उनके लिए फिर से कहीं पर शिफ्ट होना, वहां पर रहना, ये सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। हाग ने आज एक अलर्ट जारी किया था जिसके चलते उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी होने की बात कही थी। देखिए मैं इस समय जोशीमठ में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फ ने अपनी ऊपर, देखिए ऊपर चोटियों पर बर्फबारी हो रही है, लगातार शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है और जोशीमठ के लिहाज से इस बर्फबारी को काफी चिंता भरे उसमें प्रशासन देख रहा है कि आने वाले समय में अगर इस तरह की ये बर्फबारी अगर जोशीमठ शहर में हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय बन सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी शासन प्रशासन अपनी किन तैयारियों के साथ जोशीमठ के लोगों को विस्थापित करेगा। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, जोशीमठ। जोशीमठ से ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी लगातार ज्योति मिश्रा भी जुड़ी हुई है। ज्योति, जाहिर तौर पर जैसे आप तस्वीरें दिखा रही थी मौसम का मिजाज अगर बदला तो मुश्किलें और चुनौतियां प्रशासन के लिए और ज्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल श्वेता, ये कहना गलत नहीं होगा कि मुश्किलें अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि इससे पहले देखिए कई दिनों से जोशीमठ क्राइसिस जो है वो अब तक हम पहुंचा रहे हैं कि जिस जमीन पर मैं खड़ी हूँ नीचे भी आप देखेंगी तो ये पूरा हाईवे है जो नेशनल हाईवे बद्रीनाथ को जाने वाला है, यहां पर आप जमीन में ये फाड़ देख पाएंगी। ये किसी भी वक्त बदले मौसम की वजह से कहा जा रहा था कि ये दरारों में अगर पानी जाता है तो जमीन पहले ही दरकती जमीन है, कच्ची जमीन है, ये मुर्रेन पर बसा धरती जो जोशीमठ है कोई ठोस पहाड़ नहीं है इसके नीचे और ऐसे में जो पूरी तरह से धसक चुका है इतना बड़ा ये होटल, हजारों टन मलबे का बोझ इसके ऊपर और ऐसे में लोगों की भी जो आबादी है, जो बोझ है, भीड़ है वो यहाँ पर आई हुई है तो चुनौतियां सिर्फ बढ़ती जा रही हैं। इसका कोई ठोस हल यहाँ पर निकलता नजर नहीं आ रहा है, इसे तोड़े जाने का जो काम है वो शुरू किए जाना है लेकिन ये काम अब तक रुका हुआ है क्योंकि देखिए ये इजाजत तब तक नहीं देंगे जो लोकल लोग हैं, जो होटल के मालिक हैं, जब तक एक ही मांगे उनकी मुआवजे का लिखित में ऐलान ना हो सके। अब सवाल यही है कि जब सरकार ने मुआवजे की मांग मान ली है, ये आश्वासन दिया है कि हर मांग मानी जाएगी तो फिर लिखित में आश्वासन क्यों नहीं दिया जा रहा और प्रशासन द्वारा क्या कोशिशें की जा रही हैं इन लोगों को की नाराजगी दूर करने के लिए और यहां से हटाने के लिए। नारेबाजी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, आइए आपको दिखाते हैं कि
किस बात की नाराजगी है? मौसम बिगड़ता जा रहा है, बारिश हो गई तो ये जमीन फिर दरक सकती है। क्या करें, सरकार हमारी सुध ले ही नहीं रही है, सरकार सुध ले ही नहीं रही है। कल डीएम से बात हुई थी, प्रशासन ने कुछ कहा? अभी भी बात, कोई बात नहीं हो पा रही है, कोई एक मानक तय नहीं कर पा रही है सरकार। आप लोगों को मनाने के लिए प्रशासन ने क्या कहा, आप लोगों को मनाने की कोशिश की? देखिए मैडम, प्रशासन और चीफ सेक्रेटरी से लेकर आपदा सचिव तक संघर्ष समिति के साथ आज तक 6 बैठकें हो चुकी है, एक निर्णय पे सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। हाई पावर कमेटी में हमारे संघर्ष समिति के लोगों को शामिल करने की बात हुई थी, उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। बद्रीनाथ के तर्ज पे मुआवजा देने की बात हुई, उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। जब हम यहाँ पे बैठते हैं, प्रशासन हमें दबाव देने के लिए बैठकें बुलाता है और उसके बाद फिर गहरी नींद में सो रहा है। सबसे बड़ा, एक मिनट देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज अभी ये है कि आप लोग कच्ची जमीन पर बैठे हैं, बारिश हो गई यहाँ पर तो फिर हालात और बिगड़। ये तो जो सरकार के आला अधिकारी हैं, ये उनको देखना चाहिए। और यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो प्रभावित हुए हैं, उनकी सबकी एक मांग है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर हमको मुआवजा दिया जाए। और जब तक ये बात नहीं हो जाती है, तब तक ये सब लोग, हम सब लोग, पूरा जोशीमठ, पूरा क्षेत्र पीछे हटने वाला नहीं है। कल से दिन रात आप लोग यहीं बैठे हैं, कोई आश्वासन नहीं मिला? देखो, 63 साल के जो ठाकुर सिंह राणा जी हैं, इतने बुजुर्ग आदमी हैं और उनके साथ और भी महिलाएं हैं। बिल्कुल ज्योति, हम देख पा रहे हैं कि लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। उनका कहना है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर उन्हें मुआवजा मिले और उससे कम अगर मुआवजा दिया जाएगा तो वो नहीं मानेंगे इस डेमोलेशन को। बहुत बहुत शुक्रिया।